एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सादिक। लास्ट टाइम हम लोग वेव ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लाइट का जो नेचर होता है उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज प्रपोज की गई थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसको न्यूटन ने सपोर्ट किया था, एंड देन फिर उसके बाद हाइगन्स की वेव थ्योरी आई थी। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने अपनी कैलकुलेशन से ये शो किया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और फिर लास्ट में लाइट का जो क्वांटम पिक्चर होती है वो प्रपोज किया गया। सो हाइगन्स प्रिंसिपल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, एंड देन फिर हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। कोई एक वेव फ्रंट दिया हुआ है तो उसका अगला नेक्स्ट वेव फ्रंट थोड़ी देर बाद कैसा होगा उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल को अब हम आगे हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो लाइट की क्वांटम पिक्चर है, जो क्वांटम थ्योरी है लाइट की, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ड्यूअल नेचर जब हम पढ़ेंगे तब। सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। सो पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। से ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये एक लाइट बीम है। ये लाइट बीम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। सो इस बीम का जो पोर्शन ए है वो सरफेस पर इंसिडेंट हो चुका है, और इफ दिस इज अ बीम, अगर ये एक प्लेन वेव है, देन जो वेव फ्रंट होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि जो वेव फ्रंट होता है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। सो अगर ये हमें एक कोई वेव सॉरी ये लाइट रे या बीम दी हुई है, सो दिस विल बी द वेव फ्रंट। ए भी यहाँ पर वेव फ्रंट होगा। अब वेव फ्रंट का जो ए वाला पोर्शन है वो सरफेस पर इंसिडेंट हो चुका है, बट बी वाला पोर्शन जो है अभी थोड़ी देर बाद सरफेस पर पहुंचेगा। नाउ चूंकि ए वाला पोर्शन इंसिडेंट हो चुका है तो ये पोर्शन अब यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा। सो जितनी देर में बी वाला सी पर पहुंचेगा उतनी देर में ये वाला पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चला जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। सो ये वाला पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, और ये वाला पोर्शन अभी यहां इंसिडेंट होगा, उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि ये वेव फ्रंट दिया हुआ है तो अगला वेव फ्रंट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा। तो बी से सी तक, सपोज टी टाइम में वेव फ्रंट बी से सी तक पहुंच रहा है, तो उसी टाइम में वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट यहां से कहीं यहां तक पहुंचा होगा। अब चूंकि लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसलिए इस पोर्शन की और इस पोर्शन की दोनों की स्पीड सेम होनी है। जितने टाइम में ये वाला पार्ट यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये वाला पार्ट बी से सी तक पहुंचेगा। सो लेट अस से जितने टाइम में वेव फ्रंट का पोर्शन बी से सी तक पहुंच रहा है उतने ही टाइम में यहां वाला पार्ट जो है ये वाला वेव फ्रंट का पोर्शन कहीं यहां तक पहुंच चुका है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट ई, एंड एक पोर्शन ई है, दूसरा पोर्शन सी पे पहुंच चुका है। नाउ सी और ई को अगर हम ज्वाइन करें, दे शुड बी परपेंडिकुलर, इसको हम ज्वाइन करें तो ये होगा हमारा द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो येलो कलर का जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इसमें जो ब्लू कलर का वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, नाउ हमें यहां पर ये शो करना है कि ये दोनों एंगल्स सेम है, विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चूंकि लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है और जितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंच रही है उतने ही टाइम में यहां से यहां तक पहुंच रही है, तो ये डिस्टेंस जो होगी, अगर स्पीड v है या वैक्यूम में बात करें c है, वट एवर से स्पीड v है, v स्पीड है और t टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये जो डिस्टेंस bc है वो हो जाएगी
वी टी, ओके। इसी तरह से उसी टाइम में ए से ई तक पहुंच रही है सेम स्पीड से, तो जो ए ई डिस्टेंस है वो भी हो जाएगी वी इंटू टी, ओके। ना अब यहां पर हमें दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल ए ई सी। अब चूंकि वेव फ्रंट जो लाइट रे होगी उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ओके। नाउ अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पहले बात करते हैं इसकी, ट्राइंगल ए ई सी जो है, ट्राइंगल ए ई सी ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल ये 90 डिग्री है, दूसरा ये वाला जो एंगल है दिस एंगल ये होगा, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो ये डॉटेड लाइन और जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उसमें से ये एंगल निकल गया आर, तो ये बचा 90 माइनस आर, तो एंगल ए जो है वो 90 माइनस आर है, ये वाला 90 है और ये वाला सी जो एंगल है वो देखते हैं क्या होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम क्या होना है 180 डिग्री, ओके। नाउ इसमें से एंगल ए जो है वो हम देख रहे हैं कि वो 90 माइनस आर है, प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आर इधर आ गया, सो एंगल सी इज इक्वल टू आर, ये हो गया, ओके। तो ये जो हमारा एंगल है यहाँ पर ट्राइंगल ए ई सी में, ए ई सी में ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल आर, ओके। इसी तरह से ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में अच्छा, अब जैसे यहां पर हमने आई और आर बनाया है, उसी तरह से हम आई और आर यहां पर भी बना सकते हैं, ओके। सो ये एंगल हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए जो है दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सॉरी, ये वाला जो ट्राइंगल हमारा था वो था ए ई सी, तो यहां पर ये होगा एंगल ए एंड देन उसके बाद ये बी नहीं होगा, ये ई होगा, एंगल ई होगा दिस वन, विच इज अगेन 90 डिग्री, उसके आगे सब सही है, और फिर उसके बाद ये एंगल सी, ओके करेक्ट। नाउ ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए ये है हमारा, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और फिर उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू क्या होना है 180 डिग्री। नाउ एंगल ए क्या है वो हमें नहीं मालूम, सो उसको लिख लेते हैं, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी जो यहाँ पर है, दिस एंगल पूरा ये सी जो है ये क्या होगा, अगेन यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है, इसमें से ये एंगल आई निकल गया, तो ये वाला जो एंगल बचा वो 90 माइनस आई हो गया, सो ये हुआ 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 90 90 180 यहाँ से कैंसिल हो गया, आई इधर आ गया, सो ये जो एंगल ए है ये आ गया आई, ओके। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो साइड्स जो हैं बी सी और ए ई ये दोनों बराबर हैं, सिंस लाइट की स्पीड सेम है, तो बी सी एंड ए आर इक्वल, सो टू साइड्स बी सी एंड ए आर इक्वल, और इसमें से दो एंगल्स जो हैं एंगल ई और एंगल बी ये दोनों 90 डिग्री हैं, वो भी इक्वल है, एंगल ई और एंगल बी दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर इक्वल, एंड इसमें जो साइड ए सी है वो कॉमन है, ए सी इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, देन इन इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 90 के सामने वाला एंगल है R और इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने वाला एंगल है
सॉरी ये एंगल हमारा ए आया था 90 सॉरी आई, ये एंगल जो है ये हमने कैलकुलेट किया था, ये आई है. ओके सो बी के सामने जो एंगल है आई और ई के सामने जो एंगल है आर, और सो ये दोनों एंगल क्या होने हैं, इक्वल होने हैं. सो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर बिकॉज दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इस तरह से हॉइगेंस प्रिंसिपल यूज करके हम जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की. सो लेट अस कंसीडर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ डेंसर मीडियम. लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. सो रिफ्रैक्शन एट अ डेंसर मीडियम. नाउ ये हमारी लाइट बीम है और उससे एसोसिएटेड ये एक वेव फ्रंट है, ये एक इंटरफेस है, उस पर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है. दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, दिस वन इज डेंसर, दिस वन इज रेयरर. नाउ अब इसमें वेव फ्रंट का जो ए वाला पोर्शन है वो इंटरफेस पर इंसिडेंट हो चुका है, बट बी वाला पोर्शन जो है वो अभी थोड़ी देर बाद इंटरफेस पर पहुंचेगा. अब इसके बाद क्या होना है कि ये वाला पोर्शन दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है ये मीडियम वन में ही ट्रेवल करेगा. तो वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे. पार्ट ए जो वेव फ्रंट का है वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो से वो v2 स्पीड से ट्रेवल करेगा, और जो पार्ट बी है वेव फ्रंट का वो मीडियम वन में ट्रेवल करेगा, सो लेट अस से उसकी स्पीड v1 होगी. ओके सो टी टाइम के बाद अगर हम बात करें, टी टाइम में ये बी वाला सी तक पहुंच जा रहा है तो यहां पर जो बी सी डिस्टेंस होगी दैट विल बी वी वन टी. एंड उसी टाइम में ए वाला यहां कहीं पहुंच रहा है, ई कोई पॉइंट है उस पर पहुंच रहा है, सो ए ई जो होगा दैट विल बी वी टू टी बिकॉज ए पोर्शन मीडियम टू में ट्रेवल कर रहा है. नाउ अब ये डेंसर मीडियम है तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. अब ये वाला पार्ट इसकी स्पीड जब कम हो जाएगी तो ये वेव फ्रंट कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर वेव फ्रंट का पोर्शन कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइट रे या बीम जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाए कुछ. तो इसके बाद जो वेव फ्रंट होगा यहाँ से वो नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरह से बेंड करेगा. सो जितने टाइम में ए से लेट अस से यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट अस चूज अ पॉइंट ई हियर. सो जितने टाइम में ए से वेव फ्रंट ई तक पहुंच रहा है उतने ही टाइम में वेव फ्रंट का बी वाला पार्ट जो है वो सी तक पहुंच रहा है. सो दिस इज ई एंड सी आर पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट. सो ई सी इज द न्यू वेव फ्रंट और इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. सो यहाँ से हमें वेव फ्रंट देख के समझ में आ रहा है कि जो लाइट बीम है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. देन ये वाला जो एंगल है ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दिस पॉइंट इज ई. ओके सो हाइगेंस का जो आर्गुमेंट है कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. ओके नाउ अब इसमें हम यहां से स्नेल्स लॉ उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे. अब इसमें देखते हैं, वही दो ट्राइंगल्स यहां पर हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए ई सी. अब यहां पर दिस इज इजी, अच्छा ये देख लेते हैं. यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, उसमें से इतना ये आई निकल गया तो ये जो एंगल बचा है ये है 90 माइनस आई. ओके एंड देन फिर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये पूरा 90 है और उसमें से इतना पार्ट जो है वो 90 माइनस आई है. सो 90 में से 90 माइनस आई अगर हम निकाल दें तो हमारे पास जो एंगल बचा वो हुआ जस्ट आई, दिस एंगल इज आई. इसी तरह से ये वाला एंगल है आर और ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस इज 90 डिग्री. अब इसमें से ये आर निकाल दिया तो ये वाला जो एंगल बचा दिस इज 90 माइनस आर. अब इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ई सी में एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा यहाँ पर ये एंगल आ रहा है 90 माइनस आर,
तो फिर तीसरा एंगल यहां पर जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली आर. ओके यू कैन सी दिस इज इजी ज्योमेट्री. ओके अब ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी इसमें इस एंगल का साइन कैलकुलेट करते हैं. यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल है, इसके सामने की साइड बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हुई एंड ये है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस. सो साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी. सिमिलरली इन ट्राइंगल एईसी, ट्राइंगल एईसी में साइन ऑफ आर जो होगा, ये आर है तो उसके सामने वाली साइड एई, ये परपेंडिकुलर है. सो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एई एंड 90 के सामने ये साइड है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, एई अपॉन एसी. ये हुआ. नाउ ये हमारा सपोज इक्वेशन वन है, दिस इज इक्वेशन टू. अब वन और टू को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड वन बाई टू, सो यू गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ए सी डिनोमिनेटर में दोनों जगह है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बी सी अपॉन ए ई. नाउ बी सी की वैल्यू क्या है, वी वन इंटू टी, सो दिस इज वी वन इंटू टी, और ए की जो वैल्यू है दैट इज वी टू इंटू टी, सो दिस इज वी टू इंटू टी, यहाँ से दोनों टाइम कैंसिल हो गए. सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू विच इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ. ओके सो हाइगेंस का प्रिंसिपल यूज करके हमने स्नेल्स लॉ यहाँ पर डिफाइन कर दिया. स्नेल्स लॉ क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इसका जो रेशियो होता है दैट इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ओके सो ये हमने हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करके स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन किया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर ये जो रेशियो होगा दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ हम चेंज करेंगे तभी ये रेशियो चेंज हो जाएगा. सो हाइगेंस प्रिंसिपल सक्सेसफुली जो रिफ्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है. और दूसरी बात कि इसमें जो असम्पशन है कि लाइट रे डेंसर में जब इंटर होगी तो वो कम स्पीड से मूव करेगी, वो स्लो मूव करेगी एंड जब स्लो मूव करेगी तो वो लाइट जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट. बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, लाइट की स्पीड मेजर की गई तो पता चला कि यही बात सही है. जबकि न्यूटन का आर्गुमेंट था कि डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी. अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ लेंस, प्रिज्म एंड मिरर फॉर अ वेव फ्रंट. अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इससे पहले अभी हमने जो डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, तो एज सच ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ये जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पे क्वेश्चंस हमारे हमसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं एक प्रिज्म है, एक स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, देन वो वेव फ्रंट के लिए कैसे बिहेव करेगा. ओके सो ये एक लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है और ये एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का पोर्शन बी जो है वो प्रिज्म पर इंसिडेंट हो गया है और ई वाला पार्ट जो है अभी थोड़ी देर बाद और पहुंचेगा. बट इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बी वाला पोर्शन है वो बेस से पास होगा. सो बी वाला पोर्शन प्रिज्म के अंदर ज़्यादा देर तक ट्रेवल करेगा और ई वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पहुँचेगा एंड देन यहाँ पर प्रिज्म जो है बहुत एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत थिन है यहाँ पर. सो ऑलमोस्ट ये जो वेव फ्रंट है वो एयर से ही पास कर जाएगा, प्रिज्म के अंदर जो वो ट्रैवल करेगा बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है. सो यू कैन से कि जो ई वाला पोर्शन है वो एयर में ही ट्रैवल करेगा जबकि बी वाला पोर्शन जो है वो थ्रू आउट प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगा. सो जो एयर में ट्रैवल करेगा वो फास्ट होगा और जो प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगा, डेंसर मीडियम है प्रिज्म तो वो ऑफकोर्स स्लो हो जाएगा. तो से कि यहाँ से ये ई तक पहुँचा एंड देन ई से वेव फ्रंट ए तक पहुँचा और ए के बाद आगे फिर कुछ यहाँ चला गया और उतनी ही देर में ये जो वेव फ्रंट है यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं एफ. जितनी देर में वेव फ्रंट ई से ए और फिर ए से एफ तक पहुँचा है से उतनी ही देर में वेव फ्रंट जो है बी से ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी तक पहुँचा है. ओके
सो अब ये वाली जो डिस्टेंस है ई ए प्लस ए एफ, ये बी सी से ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो एयर में ट्रेवल की गई है, ज़्यादा तेज स्पीड से ट्रेवल की गई है, तो सेम टाइम में ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस कम होगी ना। अब जो नया वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, से ये जो बी वाला है ये सी तक पहुँचा है और ये वाला ई से एफ तक पहुँच गया है, सो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें उनकी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, सो दिस इज द इमर्जेंट वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट दैट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म। ओके, सो अभी हमें ये वेव फ्रंट जो है उसको देख के समझ में आ रहा है कि जो लाइट बीम है वो प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो रही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई लाइट रेज व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म दे बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, तो इस तरह का अगर हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है तो उसका जो बिहेवियर होगा आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म इट विल बी लाइक दिस, या फिर अगर हमें ऐसा दिया हुआ है ये प्रिज्म है और यहाँ पर एक ये प्लेन वेव फ्रंट है वो प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है, तो वेव फ्रंट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऑफकोर्स प्रिज्म के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और नीचे वाले पोर्शन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पीछे रह जाएगा और जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फास्ट होगा तो वो आगे चला जाएगा, तो थोड़ी देर बाद ये वाला पोर्शन जो है वो कहीं यहाँ होगा और ये वाला पोर्शन जो है वो कुछ पीछे हो जाएगा ना। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें और ये जो प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर शो करें, सो यू कैन सी कि जो वेव फ्रंट है या जो प्रोपगेशन है वो प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो रहा है। अगला देखते हैं लेंस का बिहेवियर क्या होगा। से हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरह का एक प्लेन वेव फ्रंट इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है। नाउ वेव फ्रंट का ऊपर वाला पोर्शन जो टॉप और बॉटम पोर्शन है वो लेंस के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेंस भी टॉप एंड बॉटम पर बहुत थिन है, बीच में उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो वेव फ्रंट का टॉप और बॉटम वाला पोर्शन लेंस के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करेगा और थोड़ी डिस्टेंस लेंस में ट्रेवल करेगा, तो उसकी वजह से ये दोनों पोर्शंस जो हैं ये आगे निकल जाएंगे, और बीच वाला पोर्शन जो है वो लेंस के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो कुछ पीछे रह जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा देर तक कम रहेगी, तो बीच वाला पोर्शन कुछ कम हो कुछ पीछे रह जाएगा और टॉप एंड बॉटम वाले जो पोर्शंस हैं ये कुछ आगे निकल जाएंगे। नाउ इन सारे पॉइंट्स का लोकस या वेव फ्रंट हम ड्रॉ करें तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन दिखाएं, सो प्रोपगेशन इस तरह से है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। अभी हमें ये देखने से पता चल रहा है कि जो वेव फ्रंट है या जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है, सो हमें मालूम है कि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। इसी तरह से अगर हमें एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है लाइक दिस एंड एक प्लेन वेव फ्रंट उस पर इंसिडेंट हो रहा है, सो अब इसमें जो टॉप एंड बॉटम पोर्शन है वो लेंस के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कॉन्केव लेंस टॉप एंड बॉटम पर ज़्यादा थिक है बीच में थिन है, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ पीछे रह जाएगा और बीच वाला पोर्शन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेंस के अंदर तो वो कुछ आगे चला जाएगा, सो बीच वाला पोर्शन कुछ आगे चला गया एंड टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शन जो हैं वो कुछ पीछे रह गए हैं। नाउ इन सबको अगर हम ज्वाइन करें, सो दिस इज़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एंड प्रोपगेशन अगर हम दिखाएं तो ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, सो वी नो दैट अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरह से मिरर का बिहेवियर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। से हमें एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और एक इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट उस पर इंसिडेंट हो रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि वेव फ्रंट का टॉप एंड बॉटम पोर्शन जो है वो पहले जाके मिरर से टकरा जाएगा और जो बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ी देर बाद वो और अंदर ट्रेवल करेगा तब उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शन मिरर पे पहले इंसिडेंट हो रहे हैं तो रिफ्लेक्ट भी पहले ही हो जाएंगे और बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट होगा तो वो कुछ पीछे रह जाएगा।
सो रिफ्लेक्शन के बाद टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शंस जो हैं ये आगे आ जाएंगे और बीच वाला जो पोर्शन है ये कुछ पीछे रह जाएगा बिकॉज उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है. सो अगर हम उसको ज्वाइन करें, सो दिस इज द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड देन इट इंडिकेट्स दैट द रेज आर कन्वर्जिंग. सो हमें मालूम है कि एक कॉनकेव मिरर प्लेन वेव सॉरी जो पैरेलल रेज होती हैं उनको फोकस पे कन्वर्ज कर देता है. सिमिलरली अगर हमें इसी तरह से एक कॉनवेक्स मिरर दिया हुआ है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है. सो अब इसमें जो मिडिल पोर्शन है वो पहले इंसिडेंट होगा और जो टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शन से वो थोड़ा और अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट होंगे. सो उसकी वजह से जो मिडिल पोर्शन है ये आगे हो जाएगा एंड टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शन जो है वो कुछ पीछे रह जाएंगे एंड देन इनको हम ज्वाइन करें. सो दिस इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, दैट मीन्स द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग. ओके, सो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट एंड सो ऑन. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट. इस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप के नहीं, मैक्सिमम यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं. ओके, अब बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट. नाउ डॉपलर इफेक्ट आपने साउंड के केस में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि कोई सोर्स है यहाँ पर, वो साउंड एमिट कर रहा है, से एक क्रेस्ट एमिट किया, ये कुछ आगे गया, फिर उसके बाद एक और क्रेस्ट एमिट किया, तो इस तरह से ये क्रेस्ट या जो भी डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करके एक ऑब्जर्वर तक पहुँच रहा है या ऑब्जर्वर उनको रिसीव कर रहा है तो उसे साउंड सुनाई दे रहा है. अब इसमें डॉपलर इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे तो ये जो क्रेस्ट या डिस्टर्बेंस ऑब्जर्वर रिसीव करता है वो चेंज हो जाता है. अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करें तो ऑब्जर्वर पहले जितना डिस्टर्बेंस रिसीव कर रहा था बाद अब उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रिसीव करेगा तो उसको साउंड की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ी हुई सुनाई देगी. इसी तरह से अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव करें तब जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसके पास कुछ कम पहुंचेंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी कुछ कम सुनाई देगी साउंड की. इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर चला जाए तब भी फ्रीक्वेंसी घट जाती है और ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. इसी को बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो वेव एमिट कर रहा है और जो वेव रिसीव कर रहा है उनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होने लगे तो जिस रेट से वो वेव रिसीव करता है वो रेट चेंज हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. नाउ साउंड के केस में क्या होता है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ बढ़ी हुई सुनाई देती है. इसी तरह से अगर सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे तब भी ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी. लेकिन इन दोनों सिचुएशन दोनों केसेस में जो चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में वो सेम नहीं होता है. ओके, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो वही वैसा ही नहीं होगा जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे. ओके, दैट मीन्स कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है सो दिस इज केस वन, एंड अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है सो दिस इज अनदर केस. दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी बट द इंक्रीमेंट विल नॉट बी सेम इन द टू केसेस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. अब अभी हम देखते हैं कि लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है. लाइट के केस में अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे सो जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं वो सेम होते हैं. ये दोनों केसेस आइडेंटिकल हैं. बट साउंड के केस में एक मीडियम इन्वॉल्व होता है सो उसकी वजह से साउंड सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे तो दोनों अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस होती हैं. बट इन केस ऑफ लाइट द टू आर सेम फिजिकल सिचुएशंस. ओके, नाउ साउंड के केस में हमें मालूम है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला वगैरह. अब बात करते हैं कि लाइट के केस में जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें फ्रीक्वेंसी जो चेंज होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना होता है. उसका जो डेरिवेशन है वो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहाँ से उस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है. सो हम उसको यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे.
But you have to remember the distinction between Doppler effect in case of sound and Doppler effect in case of light. So light ke case mein source aur observer ke beech mein agar relative motion hai, so usko hum bolte hain ki agar jo source hai wo observer ke respect mein move kar raha hai, then the fractional change in frequency, fractional change in frequency when there is relative motion between source and observer, this is given by V radial upon C. Okay, इस तरह से हम calculate करते हैं the fractional change. अब यहाँ पे V radial का क्या मतलब? V radial is the component of velocity of source with respect to the observer along the line joining source and observer. Okay, this is important. Say हमारा जो observer है वो यहाँ पर है और ये source है, और source जो है वो कुछ इस तरह से move कर रहा है. Okay, ये source की velocity है. So हमें उसकी velocity का वो वाला component चाहिए जो दोनों को join करने वाली line के along है. That means हमें इस velocity का ये वाला component चाहिए. ये हमारे लिए हो जाएगा V radial. Okay. बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. लास्ट लाइट टाइम भी हमने आपको ये बताया था कि c जो है वो एक स्पेशल लेटर है लाइट की स्पीड डिनोट करने के लिए. सो वेन एवर c लिखा हुआ है इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस. ठीक, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज. नाउ अब यहाँ पर जो माइनस साइन है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव ली जाती है. So V radial will be positive when the source is receding, it is moving away. और अगर source observer की तरफ move कर रहा है तब जो radial velocity है वो negative ली जाएगी. Okay, source is approaching. Okay, if the source is approaching, then the radial velocity will be taken as negative, and when the source is moving away from the observer, the radial velocity will be taken as positive. Okay, to jab source observer se dur move karega, ye positive hai, this is a positive number, then the fractional change aayega wo negative hai. That means ki jo frequency hai wo ghat ja rahi hai. frequency agar ghat jayegi to wavelength badh jayegi, because वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ओके, लाइट की स्पीड. अब एक बात यहाँ पर और हमें ध्यान में रखनी है कि सोर्स और ऑब्जर्वर उनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है भी, कोई रिलेटिव मोशन हो रही है, तब भी जो लाइट की स्पीड होगी वो सेम होगी. ऑब्जर्वर चाहे किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में हो, लाइट की स्पीड उसके लिए सेम होती है. ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है. सो स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन द होल यूनिवर्स. सो इन केस ऑफ लाइट इन थ्रू मूविंग थ्रू स्पेस, सी विल बी इक्वल टू न्यू लैम्डा. सी इज कॉन्स्टेंट. अगर न्यू बढ़ेगा सो लैम्डा को क्या होना है? डिक्रीज होना है. ओके, सो व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, the fractional change is negative. That means the frequency will decrease and wavelength will increase. And if the source is moving towards the observer, then ye negative hoga. So jo change aayega, fractional change, that will be positive. That means this jo frequency hai wo increase ho jayegi and wavelength jo hai wo decrease ho jayegi. To ab iski wajah se do tarah ke effect hame dekhne ko milte hain. Jaise jo distant stars hain ya jo distant galaxies hain, wahan se jab hum light receive karte hain तो उसमें हमें दो इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. एक होता है ब्लू शिफ्ट और दूसरा होता है रेड शिफ्ट. तो लेट अस सी व्हाट इज द ब्लू शिफ्ट एंड व्हाट इज द रेड शिफ्ट. ओके, अच्छा एक चीज और यहां पर एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है
इसकी एक कंडीशन है। यहाँ पर ये जो वी रेडियल है, जो सोर्स की स्पीड है, वो लाइट के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। अगर सोर्स की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाएगी, तब जो फ्रैक्शनल चेंज होगा फ्रीक्वेंसी का, उसको इस फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर एक कंडीशन है, दिस इज अ क्वालिफाइड एक्सप्रेशन, कि वी रेडियल शुड बी मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये कंपेरेबल हो जाएगी तो फिर ये हमें गलत आंसर, यहाँ से हमारा गलत रिजल्ट आएगा। ओके, देयर इज दिस ब्लू शिफ्ट। नाउ से हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है इस तरह से। सो उसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है वो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव करेगा लाइट की, वो उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी। सो मान लो कि एक सोर्स है जो रेस्ट पर है, से यहाँ पर एक सोर्स है, ये रेस्ट पर है, ओके, दिस इज एट रेस्ट, और ये सोर्स है, ये मूव कर रहा है, ओके, इसने एक लाइट एमिट की है, ये ऑब्जर्वर तक पहुँच रही है, और इसने भी एक लाइट एमिट की है, ये भी ऑब्जर्वर तक पहुँच रही है। तो ये वाला सोर्स चूंकि रेस्ट पर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए कुछ और होगी, और इस वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऑब्जर्वर के लिए कुछ बढ़ी हुई होगी, ओके। सो अगर इस लाइट का स्पेक्ट्रम, जो लाइट हम अपना नियर बाय जो हमारे सोर्सेज होते हैं लाइट के, उससे जो हम लाइट रिसीव करते हैं, सो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वी ड्योर, वो कुछ इस तरह का है, से दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स विच इज एट रेस्ट। और दूसरा जो ये वाली लाइट है, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा, मैं सपोज ये कोई येलो कलर की लाइट है और ये भी येलो कलर की लाइट है, लेकिन इस लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम कलर सेम है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो इसका स्पेक्ट्रम अगर हम इससे कंपेयर करेंगे और उसमें अगर हम कोई बीच का ये कलर देख रहे हैं, सपोज ब्लू या ग्रीन या येलो की बात करें, से ग्रीन की बात करें, तो जो ग्रीन कलर आएगा वो इसके ठीक नीचे नहीं आएगा, बल्कि कुछ उस एंड की तरफ आएगा जिधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यू नो, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वॉयलेट इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सो जो हम लाइट रिसीव करेंगे उस सोर्स से जो हमारी तरफ मूव कर रहा है, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, उसमें जो कलर्स होंगे, से ये जो बीच के कलर्स होंगे, वो वॉयलेट या ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ओके, सपोज कोई लाइट सोर्स है और उससे हम लाइट रिसीव कर रहे हैं और उसका स्पेक्ट्रम हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे सोर्स के स्पेक्ट्रम के साथ जो कि रेस्ट पर है, देन उसमें हमें जो बीच वाले कलर्स हैं वो ब्लू एंड की तरफ शिफ्टेड दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी सोर्स से जो लाइट मिल रही है उसमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिल रहा है, सो इट विल इंडिकेट कि द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ सोर्स आ रहा है। इसी तरह से अगर सोर्स हमसे दूर मूव करेगा, सो ब्लू शिफ्ट का मतलब सोर्स इज मूविंग टूवर्ड ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। दूसरा, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो से यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है और ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, देन यहाँ से जो लाइट हम रिसीव करेंगे इसका स्पेक्ट्रम उस सोर्स से जो रेस्ट पर है, अगर उससे हम कंपेयर करें, तो सपोज़ ये हमारा स्पेक्ट्रम है उस सोर्स का जो रेस्ट पर है, देन इस स्पेक्ट्रम से इसका स्पेक्ट्रम अगर हम कंपेयर करेंगे, तो बीच वाले जो कलर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सो वो जो कलर्स होंगे वो रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, से ये जो ग्रीन कलर है ये रेड एंड की तरफ शिफ्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। सो सपोज किसी डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सी से हम लाइट रिसीव कर रहे हैं, एंड जनरली यही केस होता है कि गैलेक्सी से हमने लाइट रिसीव की और उसका स्पेक्ट्रम जो सोर्स रेस्ट पर है उसके स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करें, एंड बीच वाले कलर्स जो है वो रेड एंड की तरफ अगर शिफ्टेड दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स द गैलेक्सी और द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स के आइडिया का, कि
कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनसे जो हम लाइट रिसीव करते हैं, ऑलमोस्ट सारी गैलेक्सीज में हमें रेड शिफ्ट दिखाई देता है. दैट मीन्स द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस एंड दे आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. दैट मीन्स द होल यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स में जितना भी जो मैटर है वो सब एक दूसरे से दूर जा रहा है. दैट मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. ओके, द यूनिवर्स इज इन्फ्लेशनरी. ओके, इट इज बीइंग इन्फ्लेटेड. ओके, सो दिस इज डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट. एंड इसका एक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो इसका जो एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है रडार सिस्टम में, रडार फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ओके, अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये देख लेते हैं. सो यहां पर आप नोट किए कर लीजिए कि रेड शिफ्ट उसका मतलब होगा सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ओके, नाउ रडार्स में यहां पर एक ट्रांसमीटर होता है, वो रेडियो वेव्स एमिट करता है. सो ये हमारा रडार है और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा. एंड सपोज यहाँ पर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एरोप्लेन और एनी काइंड ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है. सो ये जो वेव है ये इससे जाकर इंटरैक्ट होगी, उस पर इंसिडेंट होगी एंड देन फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी या स्कैटर होगी. एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो वेव होती है ये इसमें एब्जॉर्ब होती है एंड देन फिर वो दूसरी वेव एमिट करता है. ओके, सो ये वेव इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी एंड देन फिर स्कैटर होगी. तो जो स्कैटर वेव हम रिसीव करेंगे ये एक मूविंग सोर्स से आ रही है. तो जो फ्रीक्वेंसी हमने सेंड की थी और जो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव कर रहे हैं ये दोनों डिफरेंट होंगी. तो जो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव कर रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी हमने सेंड की थी उन दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो कितना है और प्लस है या माइनस है. अगर प्लस है इसका मतलब जो सोर्स है वो हमारी तरफ आ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है इसका मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी तरफ मूव कर रहा है और किस स्पीड से मूव कर रहा है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है. सो रडार्स जो होते हैं वो जो एरिया होता है, जो एक ऑक्यूपाइड एरिया होता है उसमें कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर बिना परमिशन के एंटर हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमारा कोर कंटेंट है जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, दैट इज़ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेज या कोहरेंट एंड इनकोहरेंट वेव्स क्या होती हैं. So let us see the coherent and incoherent waves. से हमारे पास दो या दो से ज्यादा sources हैं. Okay, sources of disturbance, sources जो wave emit कर रहे हैं. अब wave जो भी हैं, so जितनी भी type की waves होती हैं उनकी कुछ characteristics common होती हैं, like amplitude, frequency, wavelength and so on. So उनका जो equations होते हैं वो identical होते हैं. That means कि अगर किसी एक particular wave के लिए हम कोई प्रिंसिपल कोई कैलकुलेशन कोई रिजल्ट हम कंक्लूड करें तो वो दूसरे टाइप के वेव के लिए भी एप्लीकेबल होता है. ओके, सो से यहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज दिए हुए हैं एंड वो जो सोर्सेज हैं या जो वेव्स हैं या जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो एक पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरफियर हो रहे हैं. दैट मीन्स कि वो एक ही पॉइंट पर सेम टाइम पर एक ही पॉइंट पर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, अब ये जो एडिशन है वेव्स का दो या दो से जो से नंबर ऑफ सोर्सेज भी हो सकते हैं, लेट अस से सिंपलिसिटी के लिए कि दो सोर्सेज हैं. सो दो सोर्सेज की वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो एक ही पॉइंट पर आकर एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है. अब इसमें
ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है या जो सोर्सेज हैं, सो उनका जो एंगल होता है, फेज एंगल, उनका डिफरेंस अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेज, और अगर उनका जो फेज एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब जो सोर्सेज है वो कहलाएंगे इनकोहरेंट सोर्सेज. ओके, सो कंडीशन फॉर बीइंग टू और मोर देन टू सोर्सेज टू बी कोहरेंट, उसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये कि उनका जो फेज एंगल है वो कांस्टेंट होना चाहिए. सॉरी, जो फेज एंगल है वो या तो सेम हो या फिर जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोहरेंट सोर्सेज. ओके, लेट अस कंसीडर कि हमें दो सोर्सेज हैं और उनकी वजह से डिस्टर्बेंसेज हैं. उसका इक्वेशन हम इस तरह से लिख रहे हैं, ए वन साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स वन प्लस फाई वन, एंड दूसरी सोर्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस है उसका इक्वेशन जो है वो वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स टू प्लस फाई टू, इस तरह से दिया हुआ है. ओके, अब इसमें ये एम्पलीट्यूड है, हमने यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट लिया है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंटली है, और ये वेव नंबर होता है के वन के टू, के इज रिलेटेड विथ वेव लेंथ, के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा, और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज एंगल. टी इज इक्वल टू जीरो पर जो फेज एंगल, टी इज इक्वल टू जीरो या जहाँ से वेव ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पर जो एंगल है दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज एंगल. तो इस तरह से दो सोर्सेज की वजह से जो डिस्टर्बेंसेज हैं उनका इक्वेशन दिया हुआ है. अब यहाँ पर जो वाई है ये अलग अलग टाइप की वेव के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे अगर हम मैकेनिकल वेव, वाटर सरफेस पर वेव, रस्सी पर वेव की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. साउंड्स की, साउंड वेव की हम बात करें तो ये प्रेशर और डेंसिटी हो सकता है. इसी तरह से अगर हम लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी भी हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. ओके, सो दिस वाई कैन बी एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, अब पहले सोर्स का फेज एंगल किसी भी टाइम पर ये है और दूसरे सोर्स का फेज एंगल किसी भी टाइम पर ये है. ओके, सो अब इन दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, लेट अस कैलकुलेट दैट द फेज डिफरेंस. द फेज डिफरेंस डेल्टा फाइ दैट विल बी टी कॉमन है, सो आई कैन राइट ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी प्लस, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल बी के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू. या दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ द टू डिस्टर्बेंसेस, द डिफरेंस इन फेज एंगल. ओके, अब इन दोनों सोर्सेस को अगर कोहरेंट होना है तो ये जो डिफरेंस है ये या तो जीरो हो या टाइम के साथ चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन टाइम. ना अगर इसको टाइम पर डिपेंड नहीं होना है तो ये वाला पार्ट जीरो होना है. ओके, सो यहाँ पर तीन केसेस हम ले लेते हैं और दो ही केसेस बनेंगे. पहला केस, इफ डेल्टा फाई हैज टू बी कांस्टेंट देन उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, शुड नॉट डिपेंड ऑन टाइम. दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट जो है ये ऑफ कोर्स जीरो होना है. सो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इनटू टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो. नाउ यहां पर टी तो जीरो नहीं होगा, दैट मींस कि ओमेगा वन और ओमेगा टू क्या है, इक्वल हैं. और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज इक्वल है तो फ्रीक्वेंसीज भी इक्वल है, और अगर फ्रीक्वेंसीज इक्वल है तो हम यहां पर सुपरपोजिशन जो है वो सेम पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, सेम टाइम पर सेम पॉइंट पर दोनों सोर्स दोनों डिस्टर्बेंसेज जो है वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं. तो सेम पॉइंट पर अगर हैं तो दोनों सेम स्पीड से भी उस टाइम पे ट्रेवल कर रहे होंगे. तो अगर दोनों की स्पीड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दैट मींस कि दोनों की वेव लेंथ भी वहाँ पर सेम होगी. और वेव लेंथ अगर सेम है तो फिर दोनों के लिए जो के की वैल्यू है, के वन एंड के टू, ये भी क्या होना है, सेम होना है. ओके, सो फॉर दिस डेल्टा फाई टू बी कॉन्स्टेंट द कंडीशन इज कि दोनों के फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए. अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं देन वो दोनों सोर्सेज कोहरेंट नहीं हो सकते.
So the two sources are coherent if and only if the frequencies are same. And अगर frequency same है और हम उनके addition की बात कर रहे हैं तो velocities भी same होंगी, then wavelength भी same होगी. Okay? So this is the primary condition for two sources to be coherent. Okay? So ये चीज़ zero हो गया हमारे लिए. And यहाँ पर जो K1 and K2 है वो same हो गए. That means कि जो delta phi है it can be written as, अब यहाँ पर हम K1 and K2 same है तो उसको हम common कर लेंगे और हमारे पास बचेगा bracket में X2 minus X1 तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर delta X और phi1 minus phi2 जो initial phase angle है उसका जो difference है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर phi0. Okay? So phi0, अब ये भी important होने जा रहा है, इसको ध्यान से हमें समझना है, यहाँ पर questions बन सकते हैं हमारे लिए. phi0 जो है वो हमने लिखा है phi1 minus phi2. ओके, तो दो केसेस हो गए, दो कंडीशंस यहां पर हो गई. पहली बात कि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है देन कोई चांस नहीं है कि दोनों सोर्सेस कोहरेंट होंगे. सो पहली बात, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, सॉरी फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए. एंड जो इनके बीच का इनिशियल फेज एंगल है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है. दोनों के का जो इनिशियल फेज एंगल है ये जो डिफरेंस है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसको भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. अगर ये टाइम के साथ चेंज हो गया तो दोनों का फेज एंगल जो है वो भी, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो फिर सोर्सेस कोहरेंट नहीं होंगे. अब यहां पर क्या है कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस की बात करें, से ये हमारा है एक S1 और दूसरा है S2. ओके, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, लाइट की हम बात कर रहे हैं. तो लाइट के केस में जो एमिशन होता है, जो एटम से लाइट एमिट होती है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है. इस तरह से लाइट नहीं एमिट होती है कि कंटिन्यूअसली वो लाइट एमिट ही हो रही हो. नो, यहां पर लाइट का जो एमिशन होता है वो रैंडम होता है और रैपिड होता है. दैट मीन्स कि पर्टिकुलर वेव, पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेव्स एमिट होंगी एंड देन उसके बाद गैप होगा, फिर कुछ और वेव्स एमिट होंगी, फिर उसके बाद गैप होगा. तो इस तरह से ब्रेक कर करके लाइट जो है वो, या वेव्स जो होती हैं वो एमिट होती हैं. सो दैट मींस कि ये वाली जब लाइट यहाँ से एमिट हुई होगी तो उसके लिए जो इनिशियल फेज एंगल था वो कुछ और था, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ और उसके बाद दूसरा जो वेव ट्रेन या दूसरा पार्ट वेव का जो एमिट हुआ है तो इसके लिए इनिशियल फेज एंगल कुछ और होगा. इसी तरह से फिर उसके बाद वाला पार्ट जो एमिट हुआ तो उसका इनिशियल फेज एंगल कुछ और हो जाएगा. इसी तरह से इससे जो लाइट एमिट होगी वो भी इसी तरह से पार्ट्स पार्ट्स में होगी, ब्रेक कर करके होगी. तो यहाँ पर इन दोनों का जो phi1 और phi2 है, अच्छा ये जो ब्रेकअप होता है, ये जो गैप आ रहा है टाइम इंटरवल, ये होता है 10^10 अप्रॉक्सीमेटली -8 सेकेंड. ओके, आफ्टर एवरी 10^-8 सेकेंड देर इज अ ब्रेकअप इन द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट. ओके, दैट मीन्स कि हर इस टाइम के बाद दोनों का जो इनिशियल फेज एंगल है वो चेंज हो जाएगा. अगर दोनों का इनिशियल फेज एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो फिर ये चीज कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती है. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होंगे वो कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस. देयर इज अ ब्रेकअप आफ्टर एवरी 10^-8 सेकेंड. ओके, दैट मींस कि आफ्टर दिस मच इंटरवल ऑफ टाइम देन द phi1 and phi2 फॉर द टू सोर्सेज विल चेंज एंड द डिफरेंस दिस phi0 will also change after this interval of, this short interval of time. That means कि two independent sources can never be coherent. Okay, so हमने देखा कि दो independent sources जो होंगे वो coherent नहीं हो सकते हैं. तो फिर दो coherent sources कैसे बनाए जाएंगे, how can we achieve them? उसके लिए एक main idea ये है कि एक ही source है और उसको हम दो source में convert कर दें, उसको somehow हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें एंड देन जो दोनों पार्ट होंगे वो कोहरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे. उसमें देखते हैं कैसे है. ये थॉमस यंग का जो आइडिया था, इंटरफेरेंस जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका आइडिया ये है कि एक सोर्स लिया यहाँ से,
ये हमारा मेन सोर्स है और इससे जो लाइट जा रही है उसके सामने हम एक इस तरह का बोर्ड रख दें और उसमें दो पिन होल्स या स्लिट कट कर दें, तो इस सोर्स से लाइट यहाँ तक जाएगी, फिर उसके बाद इस स्लिट से और इस स्लिट से निकलेगी। ओके, ये मान लो ये S1 और ये S2 है, तो उसके बाद इन दोनों होल्स से जो लाइट निकल रही है उसके लिए ये दोनों होल्स एक दो सोर्सेस की तरह से काम करेंगे और ये दोनों फिर कोहरेंट होंगे। उसमें क्या है, Why they will be coherent? Because हमने देखा था कि जो भी सोर्स होता है उसमें लाइट का जो एमिशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसमें जब ब्रेकअप आएगा तो उसकी वजह से जो भी फेज चेंज होगा वो दोनों में सेम होगा, से किसी टाइम पर इसका फेज है phi 1 और इसका फेज है phi 2। ओके, देयर इज सम फेज डिफरेंस phi 1 माइनस phi 2। नाउ अब इसमें कुछ रैंडमली चेंज हुआ, उसकी वजह से इसमें कुछ फेज चेंज हुआ, से इसमें अल्फा फेज चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा phi 1 प्लस अल्फा और इसमें भी उतना ही चेंज होगा phi 2 प्लस अल्फा, जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो वही आएगा phi 1 माइनस phi 2। तो एक सोर्स को अगर हम दो सोर्सेज में इस तरह से डिवाइड कर दें देन ये दोनों सोर्सेज जो होंगे वो कोहरेंट सोर्सेज होंगे। ओके, तो इस मेथड को कहा जाता है, जैसे ये वाला प्राइमरी सोर्स हमारा है इससे वेव फ्रंट प्रोपगेट करके S1 और S2 पर इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग S1 पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, तो यहाँ से फिर नया वेव फ्रंट जनरेट होगा इस तरह से। सिमिलरली S2 से भी इस तरह का नया वेव फ्रंट जनरेट होगा, तो फिर यहाँ पर S1 S2 जो हैं वो दो कोहरेंट सोर्सेज हैं और हमने क्या किया है कि इस तरह से पिन होल्स या स्लिट कट करके इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहां पर हमने वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो कोहरेंट सोर्सेज बना लिया। सो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा एक और मेथड होता है, उसमें हम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये एक लिक्विड की फिल्म है, ओके, इट हैज सम थिकनेस स्मॉल बट इट हैज सम फाइनाइट थिकनेस और यहां पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब हमें मालूम है कि लाइट जब किसी इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम में आ जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होकर दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पर लाइट का कुछ पार्ट तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर कुछ पार्ट ये जो फिल्म है उसकी थिकनेस के अंदर जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ पार्ट ऐसे बाहर निकल जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब ये जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बाद फिर ये इस इंटरफेस से बाहर निकलेगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमें दो वेव्स जो मिल रही हैं, से वेव 1 एंड वेव 2, ये दोनों वेव्स जो है वो सेम सोर्स से आ रही हैं, सेम सोर्स से ही डिवाइड होकर ये दोनों वेव्स हमें मिल रही हैं, तो इस तरह से ये दोनों वेव्स जो है वो कोहरेंट सोर्सेज होंगे बिकॉज वो सेम एक ही सोर्स को डिवाइड करके दो सोर्स बनाया गया है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट हो गया तो इसके पास कुछ एनर्जी है, उसके बाद ये वाला पार्ट आगे गया, अब इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है बाद में ये ट्रांसमिट होकर बाहर निकल रहा है, इसकी एनर्जी और जो पहले रिफ्लेक्ट हुआ था उन दोनों की एनर्जी जो होगी या इंटेंसिटी जो होगी वो डिफरेंट है। अब इंटेंसिटी जो होती है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, सॉरी इंटेंसिटी जो होती है प्राइमरीली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। सो यहाँ पर इसका मतलब कि हमने दो कोहरेंट सोर्सेज बनाए हैं एम्पलीट्यूड डिवाइड करके। सो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टू कोहरेंट सोर्सेज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, और भी अब ये दो मेन आइडियाज हैं, तो इसके बेसिस पर हम कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि और हम कैसे दो कोहरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। एक तो ये हो गया कि मिरर है और यहां पर एक सोर्स है, उस सोर्स की जो इमेज होगी ये दोनों सोर्सेज जो होंगे ये कोहरेंट सोर्सेज होंगे बिकॉज जो भी इसमें चेंज होगा वही इसमें भी चेंज होगा। एक लाइट रे मान लो कि यहाँ पर हम इधर कहीं डिटेक्टर हमारा है, तो एक बार तो लाइट डायरेक्टली इस सोर्स से डिटेक्टर तक पहुँचेगी और दूसरी बार वो रिफ्लेक्ट होकर पहुँचेगी।
सो दो वेव्स डिटेक्टर तक पहुंचेंगी और वो दोनों वेव्स जो है वो सेम सोर्स से होकर आ रही हैं, तो इसलिए दोनों वेव्स होंगी वो कोहरेंट होंगी। इसी तरह से दो लेंसेज हमने लिया है, एक लेंस था उसको हमने बीच में से कट करके और दो लेंस बना लिया है, और यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा हुआ है। अब इस सोर्स की इमेज ये वाला लेंस अलग बनाएगा और ये वाला लेंस अलग बनाएगा। सो इधर से देखने पर ये वाला जो लेंस है वो इस सोर्स की इमेज यहाँ कहीं बना रहा है S1, और ये वाला लेंस जो है यहाँ पे कहीं बना रहा है S2। देन यहाँ पर S1 S2 जो होंगे वो कोहरेंट सोर्सेज होंगे बिकॉज ये सेम सोर्स से आ रहे हैं। इसी तरह से प्रिज्म यूज करके हम बना सकते हैं, एक प्रिज्म ये है उसी के साथ ये दूसरा प्रिज्म अटैच कर दिया और यहाँ पर हमारा प्राइमरी सोर्स है। अब इस सोर्स से लाइट इस वाले प्रिज्म पर जब जाएगी तो इसके बेस की तरफ बेंड हो जाएगी और फिर इमर्ज होगी, तो इधर से देखने पे लगेगा कि वेव जो है वो यहाँ से कहीं से आ रही है। फिर उसके बाद इस सोर्स से लाइट इस प्रिज्म में जाएगी और इसके बेस की तरफ बेंड होगी, तो इधर से देखने पे लगेगा कि लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है। तो इस तरह के दो प्रिज्म अगर हम यूज़ करें और इधर से हम देखें तो हम दो सोर्सेज से लाइट रिसीव करेंगे S1 एंड S2, और ये दोनों सोर्सेज जो होंगे वो कोहरेंट सोर्सेज होंगे बिकॉज सेम एक ही प्राइमरी सोर्स से डिवाइड करके हम दो सोर्सेज बना रहे हैं। इसी तरह से और भी हम देख सकते हैं, एक सिंगल लेंस हम लें बट उसमें दो अलग अलग मीडियम यूज़ करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अगर हो जाए तो एक ही सोर्स की फिर से ये दोनों लेंसेज दोनों हाफ जो है वो अलग अलग इमेजेस बनाएंगे सेम सोर्स की, देन वो जो इमेजेस होंगी दे विल बी कोहरेंट सोर्सेस। ओके, अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऑलरेडी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो हमने ऑसिलेशन और वेव्स में पढ़ा है, और दो ऑसिलेशंस दो SHMs अगर सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट SHM होगी वो क्या होगी, इसी तरह से दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज होती हैं तो जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, उसमें हम देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, बीट्स होती हैं। सो हम यहाँ पर आप नेक्स्ट इसमें जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस मीन्स द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ओके, ना उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें जो इंटरफेरेंस है लाइट का उसको समझने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के जो रिजल्ट्स होंगे उसको हम यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है फॉर वेव्स। सो लेट अस रीविजिट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ना अब इसका आइडिया क्या होता है, सपोज एक वेव इस तरह से पास हो रही है मीडियम का, यहाँ पर ये कोई पार्टिकल है से ट्रांसवर्स वेव, रस्सी पे जो वेव है उस तरह की वेव है वो पास हो रही है, तो ये वेव जब यहाँ से पास होगी तो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ये y1 है। ओके, फिर उसके बाद दूसरी वेव उसी पॉइंट से पास हो रही है, सेम पॉइंट, ये है वेव वन, और अब कोई दूसरी वेव है वो उसी पॉइंट से पास हो रही है वेव टू, एंड जो मीडियम का पार्टिकल है वो डिस्प्लेस होगा, से इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई टू है। अब अगर दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली उसी पॉइंट से पास हो, सेम पॉइंट से दोनों वेव्स एक साथ पास हो, दैट मीन्स कि उसी पॉइंट पर दोनों डिस्टर्बेंसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। दोनों वेव्स की वजह से जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स थे उसका वेक्टर सम यहाँ पर होगा जब दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी। ओके, सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब चूंकि हम वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर साइन नहीं यूज़ करेंगे, बट जो प्रिंसिपल होता है वो यही है कि द डिस्प्लेसमेंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस। ओके, बट हम यहाँ पे चूंकि वन डायमेंशनल है इसलिए हम सिंपली इसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2 द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सुपरपोजिशन। ओके, ये एक आइडिया है। अब इसमें
यहाँ पर जो y1 और y2 है, रस्सी पर अगर वेव है, वाटर सरफेस पर वेव है, तो y1 y2 डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। साउंड वेव अगर है तो यही डिस्टरबेंसेस जो होंगे वो प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में लिखे जाएंगे। और लाइट के केस में ये जो डिस्टरबेंसेस होंगे वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। ओके, सो अगर हम लाइट की बात करेंगे, सो एक वेव पास हो रही है एंड देन इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो से ई वन है, और दूसरी वेव जब पास हो रही, दूसरी लाइट वेव जब पास हो रही, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई टू है। एंड देन साइमल्टेनियसली दोनों फील्ड्स सॉरी दोनों वेव्स उसी पॉइंट से पास होंगी, तब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों फील्ड्स का वेक्टर, सॉरी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगी। ओके, सो लाइट के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के टर्म में बात करेंगे, बट जो इसके पीछे की मैथमेटिक्स है वो सेम है, चाहे किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड हो वेव्स के साथ। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं कि दो कोहरेंट सोर्सेज अगर हैं और वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो फिर हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट अस डू सम मैथ्स। सो सुपरपोजिशन of two coherent sources. Okay, से हमें एक source दिया हुआ है y1 and इसका जो expression है वो a1 sin omega t plus phi1 है, और दूसरा जो है, दूसरा the source की वजह से जो disturbance है that is a2 sin omega t प्लस फाइव टू, इस तरह से है। ओके, अब यही लाइट की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ओके, अब ये दोनों कोहरेंट सोर्सेज हैं, दैट इज वाई फ्रीक्वेंसीज हमने सेम ली है, और इनिशियल फेज एंगल जो है वो दोनों का डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, अब इसके आगे थोड़ी सी हम मैथ्स करने जा रहे हैं, सो उसके बाद जो रिजल्ट होगा हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जो डेरिवेशन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप चाहें तो बीच का जो कैलकुलेशन स्टेप्स होंगे वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन और द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। ओके, दैट विल बी वाई वन प्लस वाई टू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वाई वन की जगह हम लिख सकते हैं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस y2 इज a2 sin omega t प्लस phi2। नाउ अब हम इसको sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम a1, इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले रखा है, एंड sin omega t प्लस phi1 इसको हम ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा sin omega t cos phi1 प्लस cos omega t sin phi1। ओके, ये हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम ओपन करेंगे, सो दिस इज a2 एंड देन sin omega t cos phi2 प्लस cos omega t sin phi2। ओके, अब sin omega t और cos omega t वाले जो टर्म्स हैं उसको हम अलग से कलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पर है sin omega t और फिर उसके बाद यहाँ पर भी है साइन ओमेगा टी, सो साइन ओमेगा टी हम अलग से कलेक्ट करेंगे, उसको कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर टर्म बचेगा ए वन कॉस फाइव वन, दिस इज ए वन कॉस फाइव वन, और यहाँ पे बचेगा ए टू कॉस फाइव टू, ए टू कॉस फाइव टू, और जो कॉमन टर्म है दैट इज साइन ओमेगा टी। इसी तरह से cos omega t वाले टर्म्स जो हैं उसको हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर cos omega t है, तो हमें मिलेगा a1 sin phi1, a1 sin phi1 प्लस a2, ओके a2 sin phi2, ये हो जाएगा एंड cos omega t इज कॉमन। उसके बाद अब यहाँ पर एक ये मैथमेटिकल मेथड है, आई मीन दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये जो टर्म है ए वन
दिस ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, उसकी जगह हम सिंपली हम लिखेंगे ए कॉस फाइव, ओके। और ये जो टर्म है ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, इसकी जगह हम लिखेंगे ए साइन फाइव, ओके। अभी अभी हम ये देखते हैं कि ये जो a ले रहे हैं हम और जो phi है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं। तो फिर उसके आगे y की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बिकम, दिस इज सिंपली a cos phi एंड sin omega t प्लस a sin phi एंड cos omega t। नाउ यहाँ से अगर हम a कॉमन कर लें तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा sin omega t cos phi प्लस cos omega t sin phi। That means उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट इक्वेशन आया। सुपर पोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसका ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर ए और फाइव की वैल्यूज क्या होंगी ये हमें नहीं मालूम, बीच में हमने एक एडहॉक सोल्यूशन ले लिया था। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हमने इसकी जगह लिखा है ए कॉस फाइव, सो ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू इज इक्वल टू ए कॉस फाइव, और यहाँ पर क्या है ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू इज इक्वल टू ए साइन फाइव। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज़ वन। सो हमने यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इस साइड हमें मिलेगा ए स्क्वायर, और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। सो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन, और यहाँ पर आएगा ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन। सो ए वन स्क्वायर अगर हम कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन विच इज़ वन। सो बचेगा सिर्फ ए वन स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए टू स्क्वायर, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म हमें मिल रहा है टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन फाइव टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू, और यहाँ पर मिल रहा है टू ए वन ए टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू। सो टू ए वन ए टू कॉमन हो जाएगा, टू ए वन ए टू ये कॉमन हो गया, और इसके आगे ब्रैकेट में हमें मिल रहा है कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू प्लस साइन फाइव वन साइन फाइव टू, ये हमें मिला। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा कॉस फाइव वन माइनस कॉस सॉरी कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू, ये कॉस ए माइनस बी का ये एक्सपेंशन है। तो हमारे पास बचा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ओके कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू, ये हो जाएगा, ओके। सो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, दोनों डिस्टर्बेंसेस सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओके। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे फाइव वन माइनस फाइव टू जो है वो दोनों डिस्टर्बेंसेस के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है, दोनों के फेज एंगल के बीच में डिफरेंस क्या है तो उसको हम फाइव नॉट से लिख लेते हैं। देन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव नॉट, ओके। जहां पे फाइव नॉट हमने क्या लिया है, फाइव नॉट जो है ये फाइव वन माइनस फाइव टू है, ओके। सो हम इस चीज में यहां पर इंटरेस्टेड हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स पर तो डिपेंड कर रहा है, उसके साथ साथ दोनों का फेज एंगल जो है वो कितना एक दूसरे से डिफर कर रहा है। द एम्पलीट्यूड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल फाई नॉट, और यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन कॉस फाई नॉट, ओके।
अब हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की, वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इधर देख लेते हैं, we know that the intensity of a wave is directly proportional to a square, okay? यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो आया है a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 and cos phi naught, okay? बीच के जो स्टेप्स हैं आप उसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। दो डिस्टर्बेंसेस सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो उसके बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन ये है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं हमें, और ये आगे जो चीज़ें हमें समझनी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सो व्हेन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इस एक्सप्रेशन से इंटेंसिटी का रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लिख सकते हैं। अगेन राइट, इसकी जगह अंडर रूट आई इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर है सो इसको हम लिखेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू एंड कॉस फाई नॉट, ये हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू एंड कॉस फाई नॉट, ये हो जाएगा। अब ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सुपरपोजिशन पर अगर कोई क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी इंटरफेरेंस जो हमें लाइट का करना है उसको भी समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टर्बेंसेस और टू वेव्स। अब इसमें जो हमें लाइट का इंटरफेरेंस करना होता है सो उसमें जनरली हमने अभी देखा कि दो कोहरेंट सोर्सेज हम लेते हैं, और जो कोहरेंट सोर्सेज होते हैं वो सेम सोर्स जो होता है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। सो अगर डिवीजन जो है वो इक्वल हो रहा है, ओके, दैट मींस कि दो सोर्सेज हम बना रहे हैं कोहरेंट सोर्सेज एस वन एंड एस टू और दोनों से सेम इंटेंसिटी पास हो रही है, तब ये एक्सप्रेशन क्या होगा। सो अगर आई वन I2 जो है वो बराबर हो से सम वैल्यू I0, तब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखा जा सकता है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I0 प्लस I0 इज 2I0 एंड ये हो जाएगा 2 टाइम्स I0 इंटू I0, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 2I0 cos phi0, ये हो गया 2I0। अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos phi0 एंड कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर फाइव नॉट बाई टू माइनस वन, ओके, सो वो जो माइनस वन होगा और ये वन ये कैंसिल हो जाएगा, सो इस ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ टू कॉस स्क्वायर फाइव नॉट बाई टू, और ये टू जो है उसकी वजह से जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव नॉट अपॉन टू, ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो अगर हमारे पास दो सोर्सेज सेम इंटेंसिटी के हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइ नॉट बाई टू, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइ नॉट अपॉन टू, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज हैविंग सेम इंटेंसिटी, सेम इंडिविजुअल इंटेंसिटी। ओके, अब यहाँ से दो केसेस हम देखते हैं, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस एंगल पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। सो पहला केस कि अब चूंकि ये थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है, जो जनरल कंडीशन हमने की थी उस पर हम केस बनाते हैं। सो केस वन, व्हेन फाई फाई नॉट is equal to 0, 2 pi, 4 pi and so on, अगर इस तरह की values हो, cos की जो value होती है 0 पर, 2 pi पर, 4 pi पर, वो सब identical होती है। सो अगर phi naught की value 0 है, 0 का मतलब
दोनों वेव्स जो हैं वो सेम फेज में हैं, या उनके बीच में फेज एंगल 2 पाई का डिफरेंस है या 4 पाई का डिफरेंस है। अगर इस तरह से होगा तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू एंड कॉस फाई नॉट। अभी मालूम है कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई वो भी 1 होगा, 4 पाई वो भी 1 होगा, तो यहाँ पे बचेगा जस्ट 1। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0 और पाई और 2 पाई और 4 पाई। नाउ अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर है। ओके, एंड जब कॉस फाई नॉट की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। दो गिवन सोर्सेज हैं, देन कौन सा फेज डिफरेंस, कौन सा एंगल है फेज डिफरेंस का जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है। सो फेज डिफरेंस जब 0 या 2 पाई या 4 पाई होगा उस टाइम पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम होगी। सो दिस इज इनफैक्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी और दिस इज इनफैक्ट आई मैक्स। ओके, और इसी में अगर आई वन आई टू बराबर है, If I1 and I2 are equal, say some I0, then I max will be equal to 4 I0. Okay? So, दो waves superimpose हो रही हैं और दोनों waves के बीच में जो phase difference है वो 0 या 2 pi या 4 pi होगा, तो जो resultant intensity होगी किसी भी point पर वो maximum होगी। अगर इंटेंसिटीज अलग अलग हैं तो मैक्सिमम की वैल्यू ये होगी, और इंटेंसिटीज अगर इक्वल हैं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। ओके, जहां पर इस तरह का फेज डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि जो इंटरफेरेंस है या जो सुपरपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव है। सो दिस इज इनफैक्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ओके, अब इसमें नेक्स्ट केस जो है, केस टू, जो फेज डिफरेंस है फाई नॉट, अगर वो पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन इस तरह से हो, ओके, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी। हमें मालूम है कॉस पाई की वैल्यू -1, इसी तरह से कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1 होगी, 5 पाई पर भी -1 होगी। सो इन सारी वैल्यूज पर कॉस फाई नॉट की वैल्यू -1 आएगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा कॉस फाई नॉट विल बी -1, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी आई वन प्लस आई टू एंड देन कॉस फाई नॉट माइनस हो गया, सो यहाँ पे -2 अंडर रूट आई वन आई टू ये हो जाएगा। ओके, अब चूंकि कॉस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये जो इंटेंसिटी है दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं आई मीन कैन बी रिटन एज अंडर रूट आई वन एंड माइनस, अब यहाँ पे माइनस का मतलब नहीं, जो भी डिफरेंस होगा वो हम लेंगे, सो डिफरेंस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। ओके, यस, और अगर आई वन आई टू दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों सेम इंटेंसिटीज हैं, तब जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, इन दैट केस द मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 0। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं किसी पॉइंट पर, लेकिन अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई 3 पाई या 5 पाई इस तरह का है, तो अगर दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल है तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें 0 दिखाई देगी। दैट मीन्स अगर हम लाइट की बात करें, दो लाइट वेव्स किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही हैं और 0 इंटेंसिटी का मतलब कि वहां पर डार्कनेस होगी। टू सोर्सेज आर देयर, टू सोर्सेज की वजह से वेव्स वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, बट द स्पॉट विल बी डार्क। ओके, सो मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ। ओके, बाकी जो पॉइंट्स होंगे, जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर होगी, जब ये सारे एंगल्स होंगे, फेज डिफरेंस जो है वो इतना होगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और अगर फेज डिफरेंस इतना होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी। बाकी एंगल्स पर अदर देन दीज और दीज जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ होगी।
तो ये तो बात हो गई कि दो कोहरेंट सोर्सेस जब सुपर इम्पोज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि जो सुपरपोजिशन है वो दो या दो से ज्यादा का भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ सोर्सेज सुपर इम्पोज कर सकते हैं। दो से ज्यादा सोर्सेज होंगे तो भी वही मेथड होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही होगा कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। ओके, सो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो सुपरपोजिशन होता है वो दो ही वेव्स का होता है, बाकी अगर दो से ज़्यादा भी होंगे तो उस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से बन सकते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहरेंट सोर्सेज, उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम थी, लेकिन अगर इनकोहरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज हों तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। सो लेट अस कंसीडर सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहरेंट सोर्सेस। व्हाट विल हैपन इफ द सोर्सेस आर इनकोहरेंट, इनकोहरेंट सोर्सेस। ओके, अब यहां पर जो हमारे इनकोहरेंट सोर्सेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज तो सेम है, द फ्रीक्वेंसीज आर सेम, बट दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी के, लेकिन जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो उनका जो इनिशियल फेज एंगल है वो कंटिन्यूअसली या रैंडमली और रैपिडली चेंज होगा। ओके, सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हम लिखेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन एंड आई टू एंड कॉस फाई नॉट। अब यहाँ पर ये जो फाई नॉट है, फेज डिफरेंस जो है, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये हमने देखा था कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं तो ये दोनों चेंज होते रहते हैं, रैपिडली रैंडमली चेंज होते रहते हैं। ओके, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये चेंज हो जाते हैं, तो ये जो फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि रैपिडली जो है रैपिडली ये चेंज होता रहेगा। अब इतना फास्ट ये चेंज होता है, जैसे ये हमने आपको बताया था 10^-8 सेकेंड, 10^-8 सेकेंड में जो इनिशियल फेज एंगल है वो चेंज हो जाता है। सो अगर इतने शॉर्ट इंटरवल में ये फेज डिफरेंस चेंज होगा तो जो भी डिटेक्टर्स है लाइक ह्यूमन आई है या और जो डिटेक्टर्स हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि फेज चेंज हो रहा है, और जो डिटेक्टर्स हैं उनको ये जो इंटेंसिटी है इसका एवरेज दिखाई देगा। ओके, द डिटेक्टर्स विल ऑब्जर्व द एवरेज ऑफ द इंटेंसिटीज, then the average intensity will be, I average will be I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 and cos phi naught। इसी का हमें average चाहिए, ये जो phase difference है वही time के साथ change हो रहा है। अब cos या sin, ये जो trigonometric ratios होते हैं इनकी average value for one complete cycle is 0, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास बचेगा सिर्फ आई वन एंड आई टू, देन द एवरेज इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर विल बी सिंपली आई वन प्लस आई टू। ओके, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी के लेकिन उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो हमें जो इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, अब ये जो इंटेंसिटी है वो किसी फेज एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि ये हर जगह एक जैसी ही है। सो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जब वेव सुपर इम्पोज होंगी तो हमें जो इंटेंसिटी है वो सिंपली क्या होगी, दोनों का एडिशन दिखाई देगी। ओके, जैसे एक टॉर्च है, एक टॉर्च को हम फ्लैश करें तो उसका जो ब्राइट स्पॉट बनता है, अगर दूसरा टॉर्च भी वहीं पर हम उसी स्पॉट पर फ्लैश करेंगे तो वो जो ब्राइट स्पॉट है वो डबल हो जाएगा। ओके, वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, उसमें हमें यहाँ पर कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं दिखाई देगी, वो सिंपली हमें लगेगा कि जो है लाइट बढ़ गई, रोशनी ज़्यादा हो गई है। ओके, सो ये इस वजह से ऐसा होता है बिकॉज टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कंटिन्यूसली लाइट एमिट नहीं करते हैं, देन ये वाली वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो हो जाती हैं, और फिर जो एवरेज इंटेंसिटी होती है वो हर जगह एक सेम दिखाई देती है, और क्या होती है वो सिंपली एडिशन ऑफ द टू इंडिविजुअल इंटेंसिटीज होती हैं। ओके, सो ये चीज़ें हमें, दैट इज़ वाई जो लाइट का जब सुपर पोजिशन किया जाता है तो उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता है, और यही एक प्रॉब्लम थी, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक हाइगेंस का प्रिंसिपल और न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो साथ साथ में चल रही थी। अब उसमें जो हाइगेंस का आर्गुमेंट था कि लाइट वेव होती है, सो अगर लाइट वेव है तो उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए, तो
हाइगेंस की थ्योरी को जो लोग मानते थे उन लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता था। बिकॉज जो मिस्टेक होती थी वो यही होती थी कि दो अलग अलग सोर्सेज लिए जाते थे और उसको सुपर इम्पोज करा के हम देखने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पर जो पैटर्न बनता है वो स्टेबल पैटर्न नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखाई देती है, बल्कि सिंपली एडिशन, दोनों इंटेंसिटीज़ का एडिशन दिखाई देती है। सो बाद में जब थॉमस यंग ने एक ही सोर्स को दो अलग अलग सोर्सेज में डिवाइड किया तो वो दोनों सोर्सेज फिर कोहरेंट थे, एंड देन उससे जो सुपरपोजिशन था वो उससे फिर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला था। ओके, अब इसमें दो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ओके, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ओके। सपोज दो सोर्सेज हैं, एक है S1 और दूसरा है S2, और S1 से वेव ट्रेवल करके किसी पॉइंट पर पहुंच रही है, सिमिलरली फिर S2 से भी वेव ट्रेवल करके उसी पॉइंट पर पहुंच रही है और दोनों सुपर इम्पोज कर रही है सेम पॉइंट पर। नाउ अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल की है वैक्यूम में या एयर में, वैक्यूम और एयर एक ही जैसे होते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ओके। इसी तरह से S2 ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज ऑप्टिकल पाथ। सो सपोज ये जो पाथ है उसकी लेंथ X1 है और ये जो पाथ यहां से यहां तक एयर में है उसकी लेंथ X2 है, देन S1 और S2 से जो लाइट वेव्स यहां पे पहुंच रही हैं उन दोनों के पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। X1 और X2 अगर बराबर है तो पाथ डिफरेंस जीरो है, अदरवाइज देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ X1 डिफरेंस X2, ओके। इसको बोलते हैं हम पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से सपोज दोनों का इनिशियल फेज सेम था, लेकिन पाथ डिफरेंस की वजह से जब इस पॉइंट पर सपोज यहां से और यहां से क्रेस्ट एक साथ चले, लेकिन चूंकि पाथ अलग अलग है दोनों का, डिस्टेंस दोनों अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पर फिर क्रेस्ट ही ज्वाइन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। हो सकता हो क्रेस्ट के साथ ट्रफ ज्वाइन हो रहा हो या क्रेस्ट के साथ कोई जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू ज्वाइन हो रही हो। सो दोनों का पाथ जब अलग अलग होगा तो इनिशियल एंगल, जब इनिशियल फेज सेम होने के बावजूद भी यहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो मान लो कि जो पहली वेव आ रही है उसका फेज एंगल यहाँ पर फाई 1 है और दूसरी वेव जो है उसका फेज एंगल यहाँ पर फाई 2 है, देन देयर विल बी सम डिफरेंस इन द फेज एंगल विच इज फाई 1 माइनस फाई 2, ओके। हम इन दोनों के बीच में रिलेशन एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एक वेव लेंथ के बराबर जब लाइट ट्रेवल करती है, ओके, when the path length is equal to the wavelength, that is lambda, then इसकी वजह से फेज एंगल 2π चेंज हो जाता है। जैसी कंडीशन यहाँ पर है वैसी कंडीशन यहाँ पर हो गई, मतलब ये चीज़ फिर से रिपीट हो गई है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 2π एंगल के बाद फिर रिपीट हो जाते हैं। दैट मीन्स अ पाथ लेंथ ऑफ लैम्डा विल इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 2π, ओके। सो लैम्डा पाथ डिफरेंस की वजह से 2π फेज एंगल चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमें डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस कितना आ रहा है ये हम लिख सकते हैं 2π अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, लैम्डा इज द वेवलेंथ हियर, ओके। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर लाइट वेव वैक्यूम या एयर में नहीं ट्रेवल करके बल्कि किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सपोज किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है और लाइट ने डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, सो यहां पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ की। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा दैट विल बी म्यू डी, ऑप्टिकल पाथ विल बी म्यू डी। नाउ इतना पाथ अगर लाइट ने ट्रेवल किया है मीडियम में
तो उसकी वजह से उसका फेज एंगल कितना चेंज हो गया। अब हम इसको लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा एंड नाउ इट इज म्यू डी। ओके रिमेंबर, सो जहां पर हम इस ये जो डेल्टा एक्स हम लिखते हैं वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अगर एयर और वैक्यूम की हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर होगा, लेकिन अगर किसी मीडियम में बात करेंगे तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंट होता है। अगर ज्योमेट्रिकल पाथ डी है तो ऑप्टिकल पाथ म्यू डी होता है। ओके, सो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दिस इज द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड एंड देन उसकी वजह से जो फेज एंगल चेंज होगा वो ये होगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है डिटेल में मेन पॉइंट जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए वो हम देखेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।